गोरखपुर समेत कई जिलों में 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि समावधि में सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी एहतियातन के तौर पर व्यवस्था पूरी कर लें। गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 1 से 3 जुलाई तक भारी चेतावनी का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसमें गोरखपुर सहित कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, जेपी नगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। पत्र आने के बाद से गोरखपुर में बने बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से सभी संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन के जरिए भी अपनी तैयारियों को पूरी रखने की सूचना दे दी जा रही है। जिला स्तरीय POC नंबर 0551-2201796 की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि किसी भी प्रकार की पैनिक की आवश्यकता नहीं है, केवल सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, ये जो मौसम के बारे में जो अलर्ट जारी हुआ है इसके संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्तर से जारी हुआ है जी, जो हमारा लखनऊ में है और वहाँ से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जी जी। उसमें ये है कि कल दिनांक 1 जुलाई 2018 से लेके 3 जुलाई 2018 तक सुबह प्रातः 8:30 से अगले 3 जुलाई को 8:30 बजे तक ये भारी बारिश की संभावना है जी। तो उसके संबंध में ये चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है और उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, बस इसके लिए अपने आप को सभी लोग भी तैयार रहें और संबंधित विभागों को भी, हमारा जो तहसील स्तरीय और हमारा जिला स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है EOC जो संचालित है उसके माध्यम से उनको, तहसीलों को और संबंधित विभागों को, नगर पालिका नगर निगमों को, और ये सूचना भी जारी है इसके संबंध में, इसे अवगत भी कराया गया है और अभी कई माध्यमों से इनको किया गया है ताकि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति आने पर अपने जो आवश्यक संसाधन और बचाव कार्य है उसको कराया जा सके। इसमें कोई पैनिक जैसी वाली बात नहीं है, अलर्ट रहना है क्योंकि मौसम का बरसात का मौसम है। सर पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही है कि अपने हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके उसका अखबारों के माध्यम से भी उस नंबर को डिस्प्ले किया गया है। नगर निगम ने भी, सिंचाई विभाग और दूसरे विभागों के भी इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं। आपको अपने घर पे इस तरह की बचाव के उपकरण लें ताकि भारी बारिश हो तो उसमें ऐसे बचाव के उपकरण, कोई आकाशीय बिजली गिरती है तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है, पानी यदि भरता है तो किस तरीके से निकाला जाना है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, तो इस तरह के लोगों के बाहर मॉक ड्रिल और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है रहा है और लोग जागरूक भी हैं। तो यही उनसे अनुरोध है कि इसके संबंध में अपने अलर्ट को जो जारी हुआ है उसको गंभीरता से लें, लेकिन कोई पैनिक होने वाली बात नहीं। सर उसी का नंबर आप नोट कर लें। हाँ बता दीजिए। ये हमारा जो जिला स्तरीय EOC है उसका नंबर है 0511 जी 2201796 जी ठीक। ये हमारा 24/7 चलता है। इसके अलावा पुलिस विभाग का, नगर निकाय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा विभाग और मुख्य अभियंता गंडक जो कि पूरे बाढ़ को देखते हैं इनके अंदर और तहसीलों में भी EOC कार्यरत है जी। तो यहाँ पे भी आप सूचना दे सकते हैं जब जिसको जानकारी लेनी है।